पे जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो हम अपना यूजर नेम पासवर्ड भेजते हैं, तो वो चेक होता है, चेक होके फिर वो नेक्स्ट पेज में ले जाता है. सो दैट एंटायर एप्लीकेशन फ्लो इज अन यूजिंग अ प्रोग्राम विच इज अ सर्वर बेस्ड प्रोग्राम. ठीक है, ठीक राइट है, ये हो गया हमारा सर्वर. अब क्लाइंट फिर क्या है? देखो, तुम्हारा सर्वर ऑनलाइन कहीं पे बैठा है, तुम लोग अपने मोबाइल फोन में एक ऐप खोल रहे हो, या तुम लोग facebook.com का सर्वर अपने ब्राउजर पे खोल रहे, सॉरी facebook.com के एप्लीकेशन को तुम अपने ब्राउजर पे चला रहे हो. सो जो तुम क्लाइंट से एक्सेस कर रहे हो, दैट इज बेसिकली द फ्रंट एंड. राइट यहाँ पे क्लाइंट तीन चीज है, लैपटॉप है, मोबाइल है और तुम्हारा पीसी है. हम लोग जो अगर एंड्रॉइड ऐप यूज करते हैं तो वो हो गया फ्रंट एंड, हम लोग अगर आईफोन यूज करते हैं तो वो हो गया फ्रंट एंड, हम लोग अगर विंडोज या लैपटॉप या कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो हो गया फ्रंट एंड. तो व्हाट एवर इज विथ अस, दैट इज द फ्रंट एंड. ठीक ओके सो है, अगर हम लोग डेवलपमेंट का बात करें, लाइक व्हेन वी आर एक्चुअली डेवलपिंग एप्लीकेशंस एज अ प्रोग्रामर, राइट, तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है व्हेन वी आर डूइंग फ्रंट एंड एंड व्हेन वी आर डूइंग बैक एंड? ओके. सो बेसिकली अगर यहाँ पे जैसे क्लाइंट, मैंने यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लाइंट बेसिकली दो प्राइमरी टाइप से, एक हो गया मोबाइल डिवाइसेस, एक हो गया कंप्यूटर डिवाइसेस. राइट तो कंप्यूटर डिवाइसेस से कोई वेबसाइट खोलने का मतलब है हम लोग एसेंशियली एक ब्राउजर यूज करेंगे, एक राइट ब्राउजर से वेबसाइट के नाम को टाइप करेंगे और फिर वो वेबसाइट खुलेगा. ओके, राइट नाउ हमारे ब्राउजर पे, चाहे वो गूगल क्रोम हो या चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर हो, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, वो तो तीन ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. राइट राइट, सो ये मतलब है व्हेन यू आर वर्किंग विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, दैट राइट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट. राइट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इन बैक एंड? इन बैकएंड, नाउ बैकएंड का स्टोरी इज, बैकएंड वुड बी डेवलप्ड विद अ मोर प्रिसाइज यू लाइक वर्क लाइक दैट इज. बैकएंड क्या काम करता है, ये जो तुम फ्रंट एंड से, ये जो हम लोग, ये जो आप फ्रंट एंड से कुछ रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को, तो बैकएंड का कोड क्या करता है, वो बैठे बैठे वो रिक्वेस्ट को सुनता है. जैसे मैं www. अगर google.com हिट करता हूँ, बेसिकली आई एम सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू google.com का सर्वर. तो राइट रिक्वेस्ट जा रहा है मेरे ब्राउजर से, मेरे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाता है गूगल के सर्वर को. गूगल के सर्वर पे एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट कैन बी रिटन इन पाइथन, दैट कैन बी रिटन इन जावा. वो उस रिक्वेस्ट को सुनता है कि somebody is trying to open a website. वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करके अकॉर्डिंगली डेटा उठा के वापिस फ्रंट एंड को सप्लाई कर देता है. राइट सर्वर का वर्क इज टू लिसन टू द रिक्वेस्ट, टू वर्क विथ अनदर थिंग विच इज कॉल्ड डेटाबेस. तो यहाँ पे अगर इस इमेज को हम लोग देखते हैं तो ये और थोड़ा ब्रोकन डाउन स्ट्रक्चर हो गया. तो ये हमारा क्लाइंट, ठीक है, अगेन एक टैबलेट ऐड हुआ, ये हमारा क्लाइंट, ये हमारा सर्वर और इसके साथ एक डेटाबेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे अगर डेस्कटॉप में करोड़ करोड़ फोटोज पड़े हुए हैं, हम लोग अगर स्क्रॉल करके फोटोज ढूंढते हैं तो इट टेक्स टाइम, राइट. राइट वहां पे अगर कोई एल्गोरिदम या वहां पे अगर कोई प्रोग्राम रहता जो प्रोग्रामेटिकली कोई लॉजिक फॉलो करके अगर एक फोटो निकाल के हमको दे देता, तो द सर्चिंग वुड हैव बीन फास्टर. हमको पूरा स्क्रॉल करके नीचे तक जाना नहीं पड़ता है. तो राइट दैट इज द थिंग विच इज डन बाय अ डेटाबेस सिस्टम. और सर्वर का और एक काम भी होता है, इट कैन ऑल्सो लिसन टू योर रिक्वेस्ट, इट कैन अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एंड अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट के हिसाब से वो डेटाबेस से डेटा उठा के क्लाइंट को भेज देता है. तो वो स्टोरेज का भी काम कर रहा है, वो तुम्हारे रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर रहा है. राइट सो एसेंशियली बैकएंड कुड बी कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द वेबसाइट. यस, बैकएंड इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द वेबसाइट, ब्रेन एंड द मेमोरी ऑफ द वेबसाइट, ब्रेन एंड द मेमोरी ऑफ द वेबसाइट एंड राइट. द फ्रंट एंड इज मोर ऑफ द यू नो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो दिखते हैं जिनको आप यूज करते हो. राइट अगर आप यूजर के टर्म्स में बात करो. राइट राइट एंड या वन क्वेश्चन वुड बी, मतलब अगेन मैं ही पूछ रहा हूँ. सो ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, स्पेशली जब स्टूडेंट्स होते हैं, तो कि ये बैकएंड और फ्रंट एंड आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट. तो हाउ इज दिस कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस? ओके, सो सर्वर और क्लाइंट, मैं सर्वर और क्लाइंट वर्ड यूज कर रहा हूँ. सो सर्वर और क्लाइंट में इंटरेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. सो द मोस्ट पहले, बहुत पहले इंडस्ट्री में जो कॉमन थिंग वाज, दैट वाज अ सोप कॉल.
सो एक्सएमएल बॉडी में डेटा जाता था, एक्सएमएल बॉडी में डेटा आता था, ऐसे करके इंटरेक्शन होता था. राइट. उसके बाद आया REST API, राइट. तो REST API जावास्क्रिप्ट जेसन ऑब्जेक्ट्स को इधर से उधर ट्रांसफर कराता है. लाइक फ्रॉम द क्लाइंट कैन सेंड व्हाट टू से रिक्वेस्ट इन अ जेसन फॉर्मेट, सर्वर कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर्मेट एंड अगेन रेस्पॉन्ड बैक. सो एक हो गया SOAP, एक हो गया आपका REST. अच्छा, अभी आजकल जैसे जितना ये हम लोग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वी आर ऑप्टिंग फॉर रियल टाइम सिस्टम्स. तो हम लोग ने अगर बहुत पहले पुराने वेबसाइट्स देखे होंगे तो वहां पे लाइक एक पुराने क्यों अभी भी इवन राइट नाउ ऑल्सो मैक्सिमम ऑफ द वेबसाइट्स में क्या होता है, हम कुछ बटन क्लिक करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है, फिर कुछ चीज होता है, फिर क्लिक करते हैं, टाइम लेता है, फिर कुछ चीज होता है. Right. So, this happens because REST API, कुछ API calls होते हैं. एक क्लिक पे कॉल जाता है, response आता है, फिर क्लिक पे कॉल जाता है, response आता है. So, this thing. So, the third thing that socket में क्या होता है, आपका front end और आपका back end एकदम simultaneously real time में connected रहता है. Okay. So, आपका कुछ भी चेंज होता है बैकएंड में, आपका UI इंस्टेंट अपडेटेड होता है. तो दैट इज मोर यूज्ड फॉर बिल्डिंग रियल टाइम सिस्टम्स. ओके ओके ओके. सो थोड़ा सा इसको फ्रंट एंड स्पेसिफिक रख रहे हैं यहां से आगे जाते टाइम. तो सिंस तूने भी फ्रंट एंड में बहुत काम किया है, तो मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क फ्लो ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर? लाइक अगर मेरा डेटाबेस सेटअप हो गया, मेरा बैकएंड काम कर रहा है, मेरे APIs मेरे को डेटा देने को रेडी है, तो लाइक व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स जो इंडस्ट्री में तुम लोग फॉलो करते हो सो एज टू मेक अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन वर्क? ओके, सबसे पहले इंडस्ट्री में जो बेसिकली होता है दैट इज द फर्स्ट पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अ क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट. सो इंडस्ट्री में पूरा बिजनेस फ्लो स्टार्ट होता है फ्रॉम अ क्लाइंट. तो क्लाइंट आता है, क्लाइंट आके बताता है कि आई नीड अ वेबसाइट फॉर डूइंग दिस एंड लाइक मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मेरा ये नीड है. जस्ट अ सेक, हाँ एक सेकेंड थोड़ा. सो प्रोसेस फ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम क्लाइंट आता है, आके अपना रिक्वायरमेंट्स बताता है. एंड सबसे पहला चीज बिफोर इवन स्टार्टिंग कोडिंग एनीथिंग, सबसे पहला रोल होता है डिजाइनर्स का. सो अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एक सेकेंड ना. आपको मेरा स्क्रीन अगर कहाँ गया, आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन. ओके, तो अगर आपको फ्लो, एक्चुअल फ्लो क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग में होता है कि आपका यूएक्स यूजर स्टोरी डिजाइन. नाउ स्टूडेंट्स लोग को थोड़ा जल्दी रहता है कि एंड, भाई एंड में वो क्या दिखता है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें बहुत लोग को समझ में नहीं आता है. सो एकदम एंड चीज चाहिए. तो यूएक्स क्रिएशन बेसिकली होता है एक सिंपल पेपर पेन में क्लाइंट जो जो बोलता रहता है उसको पेपर पेन में ड्रॉ किया जाता है रफली. Right. Okay. So, it is also called a user journey. ठीक है? जैसे यूजर ने सपोज बोला कि मुझे एक फ्लिपकार्ट का वेबसाइट चाहिए, तो फ्लिपकार्ट का यूजर जर्नी क्या होगा? लेट्स से इनिशियली एक होम पेज होगा. राइट. सो होम पेज में यूजर कैन विजिट द वेरियस प्रोडक्ट्स. अब वंस उसने होम पेज में प्रोडक्ट विजिट कर लिया, नेक्स्ट यूजर जर्नी वुड बी सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स. तो सेलेक्शन हो गया, उसके बाद इट वुड बी लाइक सेलेक्ट करते करते ही वुड बी एडिंग ऑन टू द कार्ट. सो नेक्स्ट ही माइट गो टू द कार्ट पेज एंड कार्ट पेज के बाद उसको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा कि आइदर यू लॉग इन और यू कंटिन्यू एज अ गेस्ट. राइट. तो उसके बाद का स्टोरी होगा विच एवर फ्लो यू गो, यू लैंड अप टू अ पेमेंट पेज, यू मेक द पेमेंट. मेक द पेमेंट स्टोरी से निकल गया, फिर वापिस वेन्यू और अगेन बैक टू योर पेज. सो यू अगेन लैंड बैक टू अ या एक स्टोरी पॉइंट, इसको स्टोरी पॉइंट्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका एक पहला स्टोरी पॉइंट. सो इसको ये एक हो गया स्टोरी पॉइंट. फिर और एक स्टोरी पॉइंट हो सकता है प्रोफाइल अपडेशन.
प्रोफाइल अपडेशन का क्या फ्लो होगा. तो प्रोफाइल अपडेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम होम पेज से, आपको लॉग इन पेज में जाना पड़ेगा, देन यू गो टू प्रोफाइल पेज, देन यू अपडेट, ऐसे करके पूरा स्टोरी जॉट डाउन किया जाता है. एंड इफ यू विश टू सी यूएक्स स्टोरीज, यूजुअली दे माइट लुक लाइक वेरी सिंपल, लाइक ये थोड़ा ज्यादा इनफॉर्मल है यूएक्स डिजाइन. एनीवे यूएक्स स्टोरी मतलब आपका जस्ट पेन एंड पेपर डिजाइन रहेगा, ठीक है. तो इट कैन इट माइट नॉट लुक सो अनप्रोफेशनल लाइक दिस, बट हाँ समवॉट लाइक दिस काइंड ऑफ राइट. ऐसे करके स्टोरीज बनाए जाते हैं एंड आपका वेरियस टूल्स, ऐसे करके ऐसे स्टोरीज रहते हैं, यूजर एक्टिविटी, यूजर टास्क, ऐसे करके स्टोरी लाइन एक बनाए, ये रहा यूजर स्टोरीज, ठीक है. तो रिलीज में मैप किया जाता है कि जैसे यहाँ पे देखिए सर्च बाय कीवर्ड, मूव ईमेल्स, क्रिएट एंड सर्च बेसिक ईमेल, ऐसे स्टोरीज बनाए जाते हैं. एंड द टूल्स यूज्ड, सो बेसिकली यूएक्स डिजाइन के लिए बहुत लोग अडोबी का कुछ एक यूएक्स टूल है, दो यूएक्स का एग्जैक्ट प्रोसेस फ्लो व्हाट टूल्स दे यूज आई डोंट रिमेम्बर करेंटली, ठीक है, because that part is not, that part does not come to us as front end developers, ठीक है. हाँ exactly, इसके लिए अलग एक team है UX वाले, इसके लिए अलग एक team है, yes UX का अलग एक team है, तो वो लोग बना लेते हैं and then these things are in flow now. Now UX के बाद से once the user journey is complete, next बंदा जो आता है, next team जो आता है in your storyline is, ये हो गया UX team, उसके बाद आता है VD team, where VD stands for visual design. ओके, विजुअल डिजाइनर्स वो लोग होते हैं जो लोग वो पेन एंड पेपर में रफ स्केलेटन स्ट्रक्चर देख देख के विजुअल एलिमेंट्स डेवलप करते हैं, वो फोटोशॉप यूज करके या कोई सॉफ्टवेयर यूज करके, यूजुअली मार्केट में ये एक सॉफ्टवेयर है इनविजन बोल के, ये यूज किया जाता है काफी, तो इनविजन और या तो अडोब फोटोशॉप, तो ये सब यूज करके वो लोग उन यूजर स्टोरीज को क्या करते हैं, वो जेपेक इमेजेस में कन्वर्ट करते, जेपेक नहीं पीएसडी में ही रखते, डिजाइंस में रखते, ठीक है. सो वंस द डिजाइंस आर डन, एक के बाद एक वंस द डिजाइंस आर डन, उसके बाद व्हाट हैपेंस इज इट कम्स टू अस, सो द फ्रंट एंड डेवलपमेंट टीम. हम लोग क्या करते हैं, वो वीडी देख देख के फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिजाइन एचटीएमएल सीएसएस स्क्रीन्स and then according to the stories, according to the user journey, फिर हमको फिर से user journey consult करना पड़ता है, because they are the one who know how the application will go one after the other. Okay. तो उसके बाद we start integrating the various logic. अब उसके लिए हम लोग we usually go for a framework. So either we can use Angular, we can use React.js, we can use Vue.js. अभी currently market में ये तीन ही चल रहा है. There was a time when people used to go for jQuery, but abhi it's kind of obsolete. Obsolete abhi utna use nahi kiya jata. Abhi primarily these three are the most used JS framework. Most used, yeah. Right. Okay. So this is basically the entire, you know, workflow. Yes. This is basically three process, right. Okay, so once it is created, let's say हमारा front end application पूरा बन गया, तो what about the deployment? मतलब जैसे front backend already deployed है कहीं पे, right? It's a separate application. मतलब ये जो front end का आपने application बनाया और जो backend का एक application है, they are completely separate applications. जैसा आपने right. तो what about this front end application? ये deploy कहाँ होता है और कैसे होता है? Like कुछ idea उसके बारे में? Right. So हम लोग basically deployment के लिए like अगर यहाँ पे कुछ लोगों ने सुना होगा अबाउट Amazon AWS या Azure, Heroku, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो लोग डिप्लॉय करने देते हैं एप्लीकेशंस को. काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी किया जाता है कि लोग एक बेयर मेटल सर्वर लेते हैं, लाइक दे बाय अ बेयर मेटल सर्वर, उसमें फिर ओपन स्टैक या रेड शिफ्ट ओपन शिफ्ट कॉन्फिगर करके वो लोग अपने से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं. तो अगर हम नॉर्मल इजी प्रोसेस में जाए जो नॉर्मल फ्रीलांसर्स भी फॉलो करते हैं, दैट इज दे यूजुअली गो फॉर Amazon AWS. Amazon AWS में बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, सो इट्स लाइक इफ यू गो टू Amazon AWS सर्विसेज,
इनकेस अगर मैं थोड़ा स्ट्रेच कर जाऊं तो आप मेरे को रिमाइंडर देना. हाँ नहीं 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 सही जा रहा है यार, अभी तक परफेक्ट जा रहा है. इनफैक्ट आपने मेरे एकदम फेवरेट टॉपिक पे बताओ बताओ, तुम आराम से बताओ यार. ये क्या बोल रहे थे? हाँ आई एम सेइंग जस्ट कंटिन्यू, सही जा रहा है. ओके ओके, सो यहाँ पे अमेज़न के बहुत सारे सर्विसेस रहते हैं, ठीक है. तो यूजुअली जो किया जाता है दैट इज लाइक एक पर्टिकुलर कंटेनर लेके, ठीक है, देयर इज अ सर्विस कॉल्ड EC2 आई गेस. EC2 या EC2 कंटेनर. सो EC2 कंटेनर में यूजुअली मतलब ये फिर भी मैं बोल रहा हूँ, 2 साल पहले क्या किया जाता था, EC2 में लाइक डिप्लॉय कर देते थे पकड़ के. अगर जावा का कोड है या बैकएंड कोई भी लैंग्वेज का कोड है उसको EC2 में डिप्लॉय कर दिए, और फिर फ्रंट एंड का जो भी है उसको फिर से हम लोग S3 का यूज इज नॉट कन्वेंशनल, बिकॉज S3 जो सर्विस है उसको यूज किया जाता है डंप करने के लिए सिर्फ. जैसे अगर हम लोग हाँ इमेजेस एंड ऑल, या लेट्स से आपका जो आप अगर ओला यूज करते हो तो ओला में जो वो बिल जनरेट होता है, कभी लिंक क्लिक करेंगे तो आपको लिंक में दिखेगा s3.amazon.aws.com समथिंग. सो वो डायरेक्ट s3 में डंप किया जाता है, कोई एक चैट आया कुछ. व्हाट इज s3? ओके, सो s3 इज बेसिकली अ सर्विस दैट Amazon इज प्रोवाइडिंग. ओके, इट इज अ कंटेनराइज, लाइक इट इज लाइक क्या बोलू, वो आपको एक कंटेनर काइंड ऑफ देता है, एक लिनक्स कंटेनर देता है जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. कॉन्फ़िगर करके यू कैन डिप्लॉय योर एप्लीकेशंस. तो अभी करेंटली लेटेस्ट मार्केट सिनेरियो में क्या किया जाता है, डायरेक्ट कंटेनर्स में एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करते. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉकर्स बनाते हैं. तो हम लोग बैकएंड का एक डॉकर्स बनाते हैं, बैकएंड का एक डॉकर बनाते हैं, फिर डॉकर इमेज बनाते हैं, फिर हम लोग डेटाबेस के लिए एक डॉकर इमेज बनाते हैं. ऐसे करके हम लोग अलग अलग डॉकर्स को डिप्लॉय कर देते हैं. बट अगेन वी कम बैक टू Amazon ओनली. और एप्लीकेशन के साइज पे अगर बड़ा है एज इन लाइक देर आर मल्टीपल डॉकर्स टू इंस्टॉल्ड और समथिंग लाइक दैट, देन वी गो फॉर EC2. Amazon का और एक सर्विस है लाइट सेल बोल के. सो अगर कोई छोटा मोटा CMS है, लाइक अगर लेट्स से वर्डप्रेस बेस्ड कुछ है, तो यू कैन गो फॉर लाइट सेल. ठीक है, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज है, हमारा टेक स्टैक क्या है इस पर डिपेंड करता है. ठीक है, राइट, बिकॉज Amazon AWS देखा जाए तो इट इज काइंड ऑफ अ बिट ऑफ कॉस्टली सिस्टम एज वेल. ठीक है, इट एक्चुअली इज. सो अंटिल अनलेस वी आर गोइंग फॉर लाइक एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, Amazon AWS में फ्रीलांसर ज्यादा भटकते नहीं है. ओके, नाउ द थिंग इज, ये जो सर्वर्स का जो सीन मैं बता रहा था, सो हम लोग का जैसे ये जावा हो या नोट जेएस हो या कोई भी अलग डिफरेंट टाइप का अगर लैंग्वेज के लिए हमको चाहिए तो हमको लिनक्स सर्वर्स चाहिए यूजुअली कॉन्फ़िगर करने के लिए. ठीक है, बट अगर इफ आई एम मेकिंग अ एप्लीकेशन यूजिंग PHP, अगर मैं सिंपल PHP MySQL और फ्रंट एंड का कोई भी यहाँ पे एंगुलर या रिएक्ट या Vue.js, इन तीनों में से कोई भी एक स्टैक यूज करता हूँ, और मेरा बैकएंड में रहता है PHP और मेरा डेटाबेस में रहता है MySQL, ठीक है, अगर ये मेरा टेक स्टैक होता है तो आई कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस, BigRock, GoDaddy, राइट. तो यहाँ पे अगर आप लिनक्स होस्टिंग, अच्छा यहाँ पे अगर BigRock में हम लोग जाते तो वील सी दैट दे आर सेलिंग लिनक्स होस्टिंग एंड विंडोज होस्टिंग. ओके, सो अच्छा कैन यू गिव मी 1 सेकंड, मेरे ऑफिस का एक बंदा फोन कर रहा है, जस्ट मैं उसको इग्नोर कर देता हूं. जस्ट 1 सेकंड सर, मुझे आपसे कुछ बात है सर. नीतीश सर, मेरे से? हाँ सर. हाँ बोलो शुभदेव सर. गोडैडी में डोमेन खरीद लिया लेकिन पोर्टफोलियो साइट से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, कितना बार ट्राई. ठीक है, मैं मीटिंग के बाद देखता हूँ. ओके सर, अब एडिट तू ही करेगा ये पूरा, ठीक है? हाँ बीच में तुमने क्वेश्चन पूछा ना, अब एडिट तू करेगा. अच्छा क्या पूछा, मैं मिस कर गया. अरे नहीं, उसने एक डोमेन खरीदा था, वो उसको अपने साइट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा. अच्छा अच्छा ओके, तो ये शेयर्ड होस्टिंग, हाँ जो बोल रहा था, तो यहाँ पे ये लोग शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइड करते, रीसेलर देते और स्पेशलाइज देते. ठीक है, अब स्पेशलाइज वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद शेयर्ड होस्टिंग.
अब शेयर्ड होस्टिंग में यहाँ पे दो पार्ट, एक हो गया लिनक्स होस्टिंग, एक हो गया विंडोज होस्टिंग। ये जो विंडोज होस्टिंग का सीन है, जो प्रेस्क सर्वर होता है, विंडोज होस्टिंग बेसिकली यूज किया जाता है .NET डेवलपर्स के द्वारा, राइट। सो .NET का अगर कुछ अपलोड करना है तो यू कैन नॉट अपलोड इट टू अ लिनक्स सर्वर, यू नीड अ विंडोज सर्वर फॉर इट, बिकॉज .NET का पूरा बैकबोन विंडोज है। लिनक्स होस्टिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिनक्स होस्टिंग में हम लोग अपना PHP का कोड डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं एक एप्लीकेशन इससे बनाता हूं तो आई कैन डायरेक्टली गो टू बिगरॉक, आई कैन डायरेक्टली बाय अ लिनक्स होस्टिंग एंड आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट अवे। सो यू कैन विजिट द प्राइसेस एंड ऑल, सो दिस इज क्वाइट चीप, आराम से हो जाता है। एंड सिंस पीएचपी और ये फ्रंट एंड का सीन क्या है कि दीज आर जस्ट सिंपल फाइल्स, यू डोंट नीड टू बिल्ड दीज, राइट। दैट इज द फन पार्ट कि पीएचपी सिंस पूरा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उसको जस्ट हम लोग फाइल बाय फाइल डिप्लॉय कर देने से वो चलता रहता है। सो जस्ट फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने से हो गया। सो अगर आप 5 मिनट देते हो तो मैं इन लोग को सी पैनल भी दिखाऊंगा, दिखाऊं क्या या आप? ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर ये होस्टिंग जब तुम लोग खरीद लेते हो, क्या हो गया इसको, 2098 ट्राई करना, 2098 भी एक पोर्ट रहता ना, ये तो शायद ईमेल के लिए हुआ ना, 2098 शायद मेल के लिए है। अच्छा अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट, मैं क्लाइंट का साइट ही दिखा देता हूँ। ये अपलोड होगा क्या ये वीडियो? होगा होगा, मत दिखा दे। रुकिए, ठीक है, एक चीज दिखा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, इसका पॉपुलैरिटी भी हो जाएगा, खुशी होगा बंदा। Right. So this is a triple. So this is a website जो basically एक make my trip for travel. हाँ, ये इसका Play Store पे इसका app भी है, इसका almost 5000 के ऊपर downloads हो चुका है। So this is an application which is made using Angular और इसका backend is in PHP। तो ये if you guys ask कि ये ऐसा अजीब क्यों दिखता है, ये अजीब दिखता है बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली वन पीस कोड, ये एक ही पीस कोड है, इसको बनाया गया है ताकि ये मोबाइल में एकदम सही से दिखे, मतलब वेब में भी दिखे, मोबाइल में भी दिखे। सो इफ आई जस्ट सिंपली शो इट टू यू, सो इफ आई स्विच ऑन द मोबाइल मोड, सो दिस इज हाउ इट बेसिकली ओपन्स अप इन अ मोबाइल। आईफोन अगर मैं कर देता हूं तो ऐसे मोबाइल में दिखता है। सो एंड प्रोडक्ट दिस वॉज रिक्वायर्ड, उसको मोबाइल में चाहिए था, तो वी जस्ट did not work much on making a different native android application and all, we just made one javascript code and we wrapped it in angular application। So ye jo hai yahan pe triple, so when you buy from those kind of websites, bigrock for example, email ko darta लेट मी थिंक ऑफ वन मोर साइट, थोड़ा सा ट्रिपल ड्रीम चेज। लेट मी शो यू, मैं दिखाता हूँ ये सेम चीज। हाँ हाँ, राइट। जस्ट वन सेकंड गाइस, मैं अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ जो सुनील दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। हमारा भी एक वेबसाइट है, वो होस्टेड है सी पैनल पे, सो आई विल शो यू, इट्स learnstack.in/cpanel। आई गेस दिख रहा आप लोग को स्क्रीन, ठीक है? Yeah, so yeah guys, this is a cPanel, Puneer, right, batao jo bhi batana hai। Acha main aapka ye control leke dikhaun? Ha ha, okay। So ye jo jab tum log jab khareedte ho bigrock wagera se, to you get a cPanel like this। Ye file manager khol sakta hu? Ha ha, kholo na। So, ऐसा एक फाइल मैनेजर आता है एंड पीएचपी विथ पीएचपी द एडवांटेज इज दैट थिंग्स आर वेरी सिंपल टू वर्क विथ, ठीक है? एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशन में, ओके, यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर सारा पीएचपी फाइल है। अच्छा, तो अगर मैं कंट्रोलर्स के बाहर कोई रैंडम फाइल डाल दूं तो क्या वो रीराउट हो जाएगा इंडेक्स पे?
हाँ पता नहीं वो कॉन्फ़िगर्ड वैसे ही है कि वो काम नहीं करेगा, ये कोड इग्निटर पे पूरा एप्लीकेशन है। ओके 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 अच्छा एक ट्राई करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम क्रिएटिंग अ सिंपल फाइल tunir.php ठीक है एंड tunir.php को इफ आई एम सिंपली एडिटिंग तो PHP का कोड इज वेरी easy if you have worked with PHP guys it's very good if you have not you can surely give a try so let's say agar main simply ek hello print karta hu theek hai sorry so simply agar main hello print karta hu and ye kuch aur ho gaya are टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में कुछ एक ब्लॉकिंग जस्ट वन सेकंड मैं अरे मेरे पास कंट्रोल है क्या हां कंट्रोल है हां ठीक है मैं हटा दिया ओके मेरे को अभी भी दिख रहा है किसी कारण से हां हां चला गया ठीक है सो लेट्स से अगर मैं यहां पे सिंपली हेलो ही लिख के रखता हूं सेव चेंज कर दिया मैंने तो हुआ क्या हां हो गया सो बेसिकली इसका नाम क्या था tunir.php सो इफ आई simply open learnstack.in/tunir.php ना ले ले रहा अच्छा ले रहा है ओके सो देखो मैंने वहां पे डिप्लॉय किया ये यहाँ पे इंस्टेंट ऑनलाइन हो गया ओके एंड हम लोग जो वहां पे लाइक थोड़ी देर पहले तो ऐसे करके हम लोग बेसिकली डायरेक्ट हम लोग बैकएंड बना बना के सो पीएचपी इज अ बैकएंड लैंग्वेज सो हम लोग पीएचपी में बैकएंड बना के वी कैन इजी ड्रैग एंड ड्रॉप एंड डिप्लॉय सो इससे डिप्लॉयमेंट हो जाता है नाउ हाउ दी यूआई इज कनेक्टेड विद द बैकएंड ये वाला एक चीज मैं थोड़ा दिखाता हूं मैं रिमोट कंट्रोल गिव अप कर दिया ठीक है मैं अपना स्क्रीन भी बंद कर दिया ठीक है हां ओके सो यहां पे एक चीज ट्रिपले में ही मैं दिखा रहा हूं तो ये जो हमारा ब्राउजर है ब्राउजर से हमको ये जो नेटवर्क टैब में हम लोग को जो मैंने कहा कि हम लोग कनेक्ट कितने मेथड से करते तो एक था सोप कॉल एक था रेस्ट कॉल एक था सॉकेट सो यहाँ पे करेंटली ये एप्लीकेशन पूरा रेस्ट कॉल पे बना हुआ है तो मैं अगर कुछ सर्विस कॉल करता हूं अपने सर्वर को तो वो मेरे को यहाँ नेटवर्क टैब में दिखेगा ओके सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एडवेंचर पे क्लिक करता हूं तो बेसिकली एक सर्विस कॉल होता है जो ऐसे करके लिस्ट ऑफ activities a list of places lekar aata hai and this is the service call that is happening and this is the json that you are getting yeah so this is the service call that is happening to aise karke request pe main hit kar raha hu so agar isko main browser pe bhi hit karta hu ye currently open hai so it gives you something like this and yes this is basically a json right json so ye json jo डेटा है ये डेटा फिर मेरा फ्रंट एंड उसको पढ़ के ऐसे करके रेंडर कर रहा है सो फॉर एग्जांपल ये केरला केरला का इमेज इस यहाँ पे कहीं पे एक डेटा में आया होगा सपोज ये वाला तो इफ आई जस्ट ट्राई टू ओपन दिस इन माय ब्राउजर आपको दिखेगा कि यहाँ पे केरला का इमेज ओपन हो रहा है राइट सो दिस थिंग इज बेसिकली यही सर्विस कॉल होता है ऐसे करके फ्रंट एंड पीएचपी को जैसे इसका इसका बैकएंड पूरा पीएचपी में लिखा है सो ये जो क्लिक किया क्लिक पे एक रिक्वेस्ट गया मेरे पीएचपी फाइल को पीएचपी ने रेस्पॉन्ड कर दिया वो रेस्पॉन्स मेरे पास यहाँ पे ऐसे करके रेस्पॉन्स में ऐसे करके आ गया ये है रेस्पॉन्स और जो मैं पूछता हूं उसको कि भाई मेरे को डेटा दो दैट इज अ रिक्वेस्ट दिस इज अ रिक्वेस्ट ओके ओके सो आई गेस अब अच्छे लेवल पर हम लोगों को समझ में आ गया कि फ्रंट एंड बैक एंड कैसे इंटरेक्ट कर रहा है बस तुम्हें लास्ट टू क्वेश्चंस तेरे को जाना भी था फर्स्ट व्हाट आर द चैलेंजेस लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि जब तुम घुसते हो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने तुमने 6 साल में लाइक तेरे को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजें क्या रही है लाइक जिसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड इफ दिस इज गोइंग ऑन यूट्यूब तो फिर लाइक मैं ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ ताकि जो लोग मार्केट में वो लोग भी देखे तो करेंटली जैसे एक चीज हम लोग का जो फ्लो था व्हेन वी वर इन कॉग्निजेंट हम लोग का जो फ्लो था हमने 2 साल इनिशियल 2 साल कंटिन्यूअसली आंख बंद करके सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में काम किया तो वी
native JavaScript, vanilla JavaScript. Okay. Right. And parallelly, we started jQuery. But if you want to be a proper front-end designer, understanding HTML and CSS is very much important. And later on, future mein agar in particular frameworks mein kaam karna pade, so understanding JavaScript is also very much important. Right. जैसे मैं आपके साथ कुछ दिन पहले रात को डिस्कस कर रहा था, अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहा था कि भाई मैं एंगुलर का रिसोर्स हूँ, मेरे को रिएक्ट जेएस में डाल के बोला 2 दिन में रिएक्ट जेएस सीखो. Right. तो बट सिंस आई हैव माय जावास्क्रिप्ट क्लियर, तो मेरे को दिखा कि रिएक्ट का ऑलमोस्ट लाइक ठीक है, इट्स काइंड ऑफ रिलेटेड. मतलब इफ यू नो वन फ्रेमवर्क, दूसरा फ्रेमवर्क जानना इज नॉट अ बिग डील. पैटर्न्स होते हैं. सो ठीक है, अभी मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, मैं खुश हूँ. आई एम डेवलपिंग इन रिएक्ट जेएस फुल फ्लेज्डली, सो नॉट अ प्रॉब्लम. सो दैट इज वन थिंग. सो हाँ, जो बोल रहा था, सो द थिंग इज पीपल थोड़ा बहुत HTML CSS पढ़ के लोग सोचते हैं कि हाँ HTML CSS हम लोग को आ गया. एक मैं फनी इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ. मेरे इंटरव्यू में भी यहाँ पे जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, ऐसा होता है कि मैं बंदों को पूछता हूँ कि अच्छा रेट योर सेल्फ इन HTML एंड CSS. सो पीपल आर लाइक HTML 9x10, CSS 8x10. तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलो फिर HTML CSS से इंटरव्यू शुरू करते. सो आफ्टर 15-20 मिनट्स आई अगेन आस्क द सेम क्वेश्चन कि गाइज नाउ रेट योर सेल्फ अगेन. तब जाके वो मार्क्स हो जाता है, ओके HTML 4x10 एंड CSS 3x10. ऐसा कोई बंदा है, ऐसे काफी कंपनी में होता है कि एक फुल टाइमर HTML CSS डेवलपर बैठा रहता है जो आपको बैठ बैठ के HTML CSS फाइल सप्लाई करता रहता है, आप सिर्फ JavaScript लिखते रहते हो. दैट इज द सीन, यू आर सेफ. बट इन केस जैसे हमारा कॉग्निजन में सीन था कि इफ आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, आई हैव टू develop the HTML, CSS, I have to write the JavaScript, I have to do everything. So that is the point where you very well need to understand how to do a proper HTML, CSS structuring, how to write code, because aapka JavaScript kitna efficiently cheezon ke sath bind karega, that depends on how good structuring your HTML is having. Aapka CSS kitna efficiently bind kar raha hai, that also depends on how good efficiently you are structuring your HTML. So HTML and CSS bahut log mazak uda dete hai, but actually you need to understand very well. And ये भी एक चैलेंज रहता है ना कि across devices तुम्हारा site एकदम अच्छे से खुल रहा है across different screen right. sizes. Right. अभी the thing is कि when we started development, अब bootstrap 3 वगैरह था. अभी तो bootstrap 4 ने बहुत इजी कर दिया है. But तब bootstrap 3 था और ऐसा bootstrap भी तब ज़्यादा market में नया था, थोड़ा बहुत नया था. ठीक है. तो देर आर मेनी क्लाइंट्स लाइक मुझे याद है मैंने अपने पिछले 2 साल आई हैड टू डेवलप अ फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू विद माय कोडिंग. हमको बूटस्ट्रैप बनाना पड़ता था लिटरली, देन उसको यूज करते थे बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू यूज बूटस्ट्रैप. सो अच्छे से CSS जानेंगे तो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है वो भी इजीली समझ में आएगा. आई अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इनसाइड बूटस्ट्रैप 4, व्हाट इज रिटन इनसाइड बूटस्ट्रैप 3, दैट इज वेरी क्लियर टू मी. So any developer who is spending a good amount of time with HTML, CSS and JavaScript, he would know what is happening inside. Right. So that knowledge is necessary actually. Right. ठीक है तुनीर, one last question, उसके बाद students से questions लेंगे. Right. So these students want to become, you know, web developers. अब front-end developer या back-end developer, they will decide eventually. Okay. But according to you, like this session is actually, I decided ki would be on front-end. So, okay. What do you think if a student wants to become a front-end developer, a good front-end developer, aaj ki date mein industry mein, to usko exactly kya karna chahiye, like apna portfolio build karne ke liye aur hiring ho, jaise tumne bola to interviews leta hai, to tu kis tarah ke candidates ko prefer karega? I would prefer candidates jo log HTML, CSS aur vanilla JavaScript mein bahut strong hai. Because if you're good in JavaScript, if you're good in HTML, CSS, then ek framework mein switch karna, it's not much difficult. Okay. So, and usse advantage kya hai? Abhi jaise, let's say JavaScript jisko aata hai, wo Angular pe to kaam kar hi payega. Kal jaake wo Node.js mein khud ka backend bhi likh sakta hai. Right. MongoDB kuch had tak wo use kar payega. MySQL bhi theek hai, chalo, he can learn differently, but he can work with MongoDB at, to a quite good amount of content, right? So, us hisab se, if someone wants to be a good front-end developer, then he can basically start with HTML, CSS, learn JavaScript properly. And abhi market mein, to
jump fast into development, pick up a framework. Either pick up React.js. I would say ki if you have learned a bit of HTML CSS JavaScript, you directly jump to React.js because Angular ka graph is like usme seekhne ka bahut kuch hai. Okay, uska graph हाँ थोड़ा स्टीप है बट रिएक्ट का ग्राफ इज एक्चुअली वेरी इजी लाइक ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है कम है थिंग्स टू रिमेम्बर कम है तो वो यूज करके यू कैन लर्न सो आई गेस अभी अगर सीखना हो तो HTML CSS JavaScript एंड देन गो फॉर React.js मार्केट में जॉब्स भर के पड़े हैं वेरी हाई पेड जॉब्स राइट ठीक है So, as a front-end developer, कोई कभी घर बैठा नहीं रहेगा इफ यू नो द frameworks, इवन इफ यू आर अ वन ईयर एक्सपीरियंस गाय also, लोग विल कम टू लाइक पिक यू अप फॉर जॉब्स हम लोग ही अपने कंपनी में रिएक्ट डेवलपर ढूंढ रहे नहीं मिल रहा ढंग का अरे ये मैं बहुत बार बोलता हूँ कि फ्रंट एंड में एक्चुअली इस पॉइंट पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एंड इफ यू विल लर्न फ्रंट एंड आप घर पे नहीं बैठोगे अगर आप घर पे बैठोगे तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होगे Right, exactly. और एक जस्ट छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ दैट इज वंस यू नो HTML CSS JavaScript यहाँ पे एक अभी इंटरेस्टिंग चीज हुआ है दैट इज ये जो एंगुलर फ्रेमवर्क है इसने अपना एक हाइब्रिड मोबाइल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ला दिया दैट इज आयोनिक रिएक्ट जेएस जो है उसने अपना हाइब्रिड मोबाइल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ला दिया दैट इज रिएक्ट नेटिव राइट सो हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब पहले क्या होता था कि एंड्रॉइड के लिए एक एंड्रॉइड डेवलपर ढूंढना पड़ता है आईफोन के लिए आईओएस डेवलपर ढूंढना पड़ता है अभी क्या सिनेरियो हो गया जो रिएक्ट जेएस का बंदा है वो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चीजें सीख के रिएक्ट नेटिव सीख जाए तो वो एक बार रिएक्ट नेटिव में कोड लिख रहा है और वो जो रिएक्ट नेटिव है वो उसको एक एंड्रॉइड एपीके भी जनरेट करके दे रहा है और आईओएस का आईपीए फाइल भी जनरेट करके दे रहा है राइट वो एक तीर से दो निशाना लगा दे रहा है दैट इज वो Android application भी develop कर दे रहा है और iOS application भी develop कर दे रहा है but है बंदा खुद web developer एक पूरे team का खर्चा बच गया Android team का काफी हाँ पूरा काफी right exactly right तो ठीक है guys I guess हम लोग को इतना ही बात करना था काफी कुछ समझा दिया टूनीर ने अब एक काम करते हैं एक एक करके questions लेते हैं so I hope आपके पास questions हैं कुछ कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया था meeting के बारे में एक question है टूनीर already okay. can answer that okay क्वेश्चन कहाँ पे चैट में तो नहीं दिख रहा मेरे को चैट में है ना वो अच्छा ओके हाँ दिखा ये तो मेरे को तो अभिरूप चट्टराज दिख रहा है आपको शायद पर्सनल में मिल जाए अच्छा रे सॉरी ओके मैं बता रहा हूँ सो ही इज आस्किंग कि व्हिच वन इज बेटर रिएक्ट और एंगुलर व्हेन टू यूज व्हिच वन ओके वेरी गुड क्वेश्चन सो बेसिकली इन माय पर्सनल व्यू सिंस आई वर्क ऑन बोथ रिएक्ट एंड एंगुलर ओके So when your project is very big, like what I have seen is actually difference कहाँ पे होता है? Angular छोटे project के लिए काफी भारी हो जाता है because Angular काफी सारे boilerplates देता है. Boilerplate का मतलब होता है कि कुछ basic initial file initializations करके बैठा रहता है. So अगर एक छोटा application बना रहे तो Angular use करेंगे तो हमारा वो application भारी हो जाएगा. ठीक है? वहाँ पे React.js becomes the winner. But when I'm talking about a very big application. Very big as in very big. Like मैंने Cognizant में एक call center application बनाया था. So that was a huge application. Like 10-15 people working together. So जब application का size बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, then Angular comes as a clear winner because of many reasons. वो हर components को हर modules का separation इतने beautifully करता है कि किसी एक developer का code दूसरे developer के module को hurt नहीं करता. It is totally isolated. ये isolation React में थोड़ा सा क्योंकि वो इनिशियली सारे लाइब्रेरीज एंगुलर की तरह डंप नहीं कर देता आपको जो जो चाहिए आप एक एक करके इंस्टॉल करते रहो सो स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस रिएक्ट मिड स्केल एप्लीकेशंस रिएक्ट बट वेरी लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस एंगुलर इवन मार्केट में भी आप देखोगे बड़े कंपनीज में पीपल यूजुअली फर्स्ट गो फॉर एंगुलर देन अकॉर्डिंग टू द स्केल दे गो फॉर रिएक्ट फॉर एंगुलर like that they do the differentiation okay I guess clear ho gaya ye to second question is abhirup is asking web development or full stack development mein kya difference hai beginner level question clarify kar de jaldi se okay so web development ke andar hi basically sab aata hai ye front end development back end development full stack development this everything is called web development theek hai basically difference is web matlab jo main टाइप से दैट इज वेब डेवलपमेंट मोबाइल डेवलपमेंट एंड
कंसोल डेवलपमेंट, ठीक है, कंसोल मतलब जो तुम्हारा विंडो बेस्ड एप्लीकेशन खुलता है, exe फाइल्स जावास्क्रिप्ट कर तो चलता है. सो वेब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. फुल स्टैक मतलब तुमको फ्रंट एंड भी आएगा, तुमको बैक एंड भी आएगा, और सिर्फ फ्रंट एंड मतलब सिर्फ फ्रंट एंड के तुम स्पेशलिस्ट रहोगे. राइट गाइस, और कोई क्वेश्चंस है? वी हैव 5 मोर मिनट्स. और कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क. सर मेरा हां बोल. ये क्या शुभोदय? सर ये 2 दिन पहले मैंने एक जगह पर डिप्लॉय किया था, फायरबेस नाम है उसका. उसका थोड़ा स्टोरी बताएंगे? मैं वो उसका जो एक खुद का कमांड प्रॉम्प्ट है उसको निकाल के उसी में इमेज वगैरह सब डिप्लॉय करके, और सुंदर मतलब उसमें जो डिप्लॉय हुआ था वो सही हुआ था. लेकिन उसका क्या स्टोरी है फायरबेस? ये शुभोदय तुम मेरे को कॉल करना यहाँ पे. फायरबेस अचानक से बोलने से आधे लोग समझेंगे नहीं. So, तुम मेरे को कॉल करना या नितीश दा को कॉल करना, समझा देंगे तुमको एक्सटर्नली. इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हो कि फायरबेस इज लाइक यू नो डेटाबेस सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस. मतलब आप डेटाबेस का जितना भी प्रॉब्लम है वो आप फायरबेस के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हो. मतलब इट्स एन ऑनलाइन काइंड ऑफ डेटाबेस जहाँ पे आप आपकी जितनी भी डेटाबेस रिक्वायरमेंट, जैसे अगर आप सिर्फ एक मान लो आपके पास एक वेबसाइट, जनरली आप जब एप्लीकेशन बनाते हो तो आप वेबसाइट बनाते हो और आप एक मोबाइल ऐप भी बनाते हो, ठीक है. बट वॉट इफ यू जस्ट हैव यू नो रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपको वेबसाइट का जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ एंड्रॉइड ऐप बनाना है. इन दैट केस वॉट यू कैन डू इज कि अपना बैकएंड पूरा का पूरा फायरबेस पे होस्ट करके, मतलब अपना पूरा डेटाबेस बैकएंड फायरबेस पे डाल सकते हो और आपका मोबाइल ऐप डायरेक्टली फायरबेस से बात करके वो काम कर लेगा. तो आपका बैकएंड का काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है, आपको उतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा. वो कोड ऑलरेडी गूगल वालों ने लिख के रखा फायरबेस में, रफली स्पीकिंग. मतलब उबेर जैसा, उबेर जैसा. हाँ, मतलब उबेर जैसा. ये कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं हुआ. उबेर जैसा मतलब क्या? हमको क्या पता उबेर में कौन से सर्विस की बात कर रहे हो, इतने सारे सर्विस है. सिंपल थिंग इज कि अगर तुम MySQL या MongoDB या कोई भी डेटाबेस यूज करते हो तो फ्रंट एंड डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते. उसके लिए तुमको और एक बैक एंड का लेयर चाहिए होता है जो डेटाबेस को एक्सेस करके फ्रंट एंड को हेल्प करता है. फायरबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसने एक ऑलरेडी बैकएंड का लेयर उसके साथ चिपका के रखा है. सो इट इज लुकिंग लाइक तुम सिर्फ डेटाबेस को डायरेक्ट कॉल कर रहे हो और डेटाबेस तुमको डेटा दे दे रहा है. बट रियल लाइफ सिनेरियो में सिर्फ डेटाबेस अकेला इट कैन नॉट डू एनीथिंग. यू हैव टू अटैच इट विद अ बैकएंड फ्रेमवर्क. राइट. सो वही है, शॉर्ट में यही है. हम लोग करेंगे इस कोर्स में. फ्री है क्या? नहीं, एक फ्री टायर है, बट आप उसके बाद अगर आप API कॉल्स करोगे तो फिर आपको पैसे लगते हैं. फ्री कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ फ्री नहीं है. जो है बस लिनक्स की दुनिया में फ्री है सब कुछ, बाकी सब तो पैसा लगता है. गाइस और कोई क्वेश्चन है तो पूछो. हाँ, रंजन इज आस्किंग व्हाट इज अ प्रोसेस टू सिक्योर अ नॉट सिक्योर वेबसाइट व्हिच आई डेवलप्ड यूजिंग HTML CSS. वेबसाइट सिक्योरिटी का बात कर रहे तुम ये. सो बेसिकली तुम जब होस्टिंग कर रहे हो रंजन कहीं पे, सो दिस हैज टू डू विद द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन. So basically when you are hosting it somewhere, you have to configure a thing called SSL. So SSL install करना पड़ता है. आजकल BigRock या जो मैंने तुमको hostings दिखाया, तो maximum hosting में by default वो HTTPS खुद से तुमको provide कर देता है. तुम अगर locally चलाते हो तो locally भी तुम HTTPS mime कर सकते हो, but that is not the real thing. But तुम अगर online की बात कर रहे हो तो तुम जहाँ पे भी अपना code deploy कर रहे हो उस server level पे जाके तुमको SSL कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. सो व्हेन यू हैव SSL कॉन्फ़िगर्ड, तुम्हारे HTTP के जगह वहां पे HTTPS दिखेगा. दैट्स द वन ऑफ द बेसिक स्टेप्स जिससे बहुत इजी हो जाता है, मतलब ये सिक्योर तो हो ही जाता है. राइट. ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन? प्लस लास्ट 1 मिनट, इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क. सागनिक इज आस्किंग टू बी अ बैकएंड डेवलपर वी हैव टू नो पाइथन जावा PHP ऑल ऑफ द 3. क्या तीनों की जरूरत है? ओके सी ये इट्स लाइक, मतलब इसका क्या आंसर दूं? इट्स लाइक क्या मेरे को हेल्दी रहने के लिए कैरेट्स और सब्जी खाना जरूरी है? ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ये. सी प्राइमरीली इफ यू आस्क मी देन नहीं, सब सीखना जरूरी नहीं है. बट अगेन देखो, तुम अगर मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा भाव उतना ही बढ़ेगा जितना तुम्हारा नॉलेज रहेगा. सो obviously if you know more that is good, but to start with मैं suggest करूंगा कि किसी एक लैंग्वेज में मास्टर बनो, किसी एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीखो. फिर तुमको धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में रहते रहते ही कोई ना कोई तुमको बोलेगा, अरे यार ठीक है PHP में बहुत कर लिया, थोड़ा पाइथन में हाथ लगा, तो पाइथन में बहुत कर लिया, थोड़ा इस पे हाथ लगा. तो जिस कारण से मेरे को भी अभी पैरेलली लाइक आई हैव वर्क्ड ऑन पाइथन, आई हैव वर्क्ड ऑन PHP, आई हैव वर्क्ड ऑन Node.js,
और कुछ बचा? हाँ बचा तो बहुत कुछ है, हाँ बस ये तीन ही शायद, या Node.js, Python and PHP. So I know these three languages, though there are lot more languages right now in the market. Java so, is there, ASP, Java is there. Right. Ruby is there. अभी तो Go बहुत market में चल रहा है. Go is very high paid. हाँ. So. Sir, Go क्या होता है? Go एक language है. Google करना GoLang. Google ने बनाया है. The name is GoLang. It's a new language currently. हाँ. Right. So guys, I hope I don't think our doubts हैं आपको. अगर आपके doubts होंगे तो you can ask me, और अगर मुझे नहीं आता होगा तो I can forward it to Tunir. So Tunir, thanks bhai, you came. I guess no problem bhaiya. बच्चों को मजा आया होगा और उन्हें सीखा भी होगा. हाँ सभी एक बार unmute करके एक बार आवाज दे. हाँ यार थोड़ा सा जो लोग शांत बैठे हो at least. Did you like the session? Hello sir. Was it good? Yes sir. सीखा कुछ? मैंने देखा है इसको, मतलब पिछले शायद एक या डेढ़ साल में टुनीर ने कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, आई डोंट इवन हैव द काउंट. तो अगर अगर आप डेवलपर बनो और आपको टुनीर से कुछ सीखना है तो यू कैन एक्चुअली लर्न द स्पीड एंड एक्यूरेसी. मतलब तूने कितने प्रोडक्ट्स बनाए होंगे तूने पिछले एक डेढ़ साल में? आई गेस 10 12 हां 15 शायद क्लोज काउंट था बनाए और डंप किए हैं. एंड दोस आर फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट्स राइट? मतलब उनमें से किसी भी चीज को कोई कंपनी खड़ा किया जा सकता है उस प्रोडक्ट को उठा करके. राइट राइट राइट. रिसेंटली यू स्टार्टेड दिस, यार वो क्या था, पिस्ता पे राइट? शटल फॉर कोलकाता. हां हां राइट. तो पिस्ता पे वाज, हां एक साल चला. मैं इन लोग को थोड़ा सोशल रैंक एक बार शॉर्ट में बोलता हूं, इनके अगर प्रमोशन टाइप, ये लोग प्रमोशन टाइप. हां वो तो ऐसे बंद ही हो गया प्रोजेक्ट. एनीवे, सो ये एक प्रोडक्ट था जो मैंने दिखाया था नीतीश दा को. सो सोशल रैंगो का आइडिया था, अगेन ये भी वैसा छोटा सा विंडो में दिख रहा है तो समझ में आ रहा है तुम लोग को. सो इसका आइडिया था बेसिकली, इफ यू कंटिन्यू विथ एनी फेसबुक और गूगल, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू लॉग इन. सो सोशल रैंगो का आइडिया है कि तुम लोग अपने दोस्त लोग को वोट कर सकते हो बेसिकली. ठीक है, रैंगो का मतलब होता है वोट करना, रैंक करना. सो मैं एक बार दिखा के बताता हूं. आई होप वेबसाइट चल रहा है ठीक से. ये इसी चीज का डर था. शिट शिट शिट. अरे एक्चुअली होस्टिंग शिफ्ट किया. हाँ मैंने होस्टिंग शिफ्ट किया चंदुदा के इस पे, मैंने होस्टिंग शिफ्ट किया तो मे बी उसके लिए थोड़ा अभी कुछ इशू होगा. तू रिजॉल्व करके देना, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा एंड वो लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं. ओके ओके फाइन. सो ठीक है गाइस, लेट्स क्लोज दिस सेशन. सो थैंक्स टू नीर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड पीपल आल्सो, थैंक यू सो मच, यू गाइस आल्सो केम. सो ठीक है फिर, चलो ओके, चलो वेलकम सुबोधी, लेट्स क्लोज द सेशन टू नीर. ओके. Yeah, sure. Thank you, Nitisha. Thank you very much. Thank you, guys. All the best to you all. Okay. Okay. Chalo. Chaliye. Bye-bye. Good night, all. Good night. Maza aa gaya.